नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रे के लिए एक रेसिपी बनाएंगे। तो व्रत में हम खाने के लिए एक बहुत ही क्विक वाली रेसिपी है। इसमें हम कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो ना चीला बनाना है, ना ज़्यादा कुकिंग करनी है पूड़ी बना के, बस पकौड़ी बनानी है और दही और चटनी के साथ खाइए आप, बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए बनाते हैं इसे हम। तो ये देखिए, पकौड़ी के साथ खाने के लिए सबसे पहले मैं चटनी का बताती हूँ आपको। आप टमाटर लीजिए, धनिया लीजिए और हरी मिर्च। अगर टमाटर आप नहीं खाते हैं तो आप नींबू या दही का इस्तेमाल करिए। और इसमें हम सिर्फ सेंधा नमक डालेंगे और पीसकर पकौड़ी के साथ खाने के लिए चटनी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, पकौड़ी के लिए मैंने लगभग 150 ग्राम कुट्टू का आटा लिया है, बॉईल करे हुए आलू लिए जिन्हें बारीक काट लिया, और एक टमाटर लिया है। अगर टमाटर आप नहीं लेते हैं व्रत में तो इसे स्किप करिए। हरी मिर्च लिए थोड़ी सी, थोड़ा हरा धनिया लिया है, काली मिर्च और सेंधा नमक। तो मिर्च आप अपने टेस्ट से लें, आपको कितनी हरी मिर्च चाहिए। तो देखिए, एक बाउल में हम कुट्टू का आटा डालेंगे और काली मिर्च और सेंधा नमक डालेंगे और इसमें पानी डालकर एक हम बैटर बना लेंगे। तो बैटर हमें पतला नहीं रखना है, ध्यान रखिए, बस बैटर में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, तो गाढ़ा ही बैटर बनाना है हमें। तो देखिए, इस तरह से मिला लेंगे हम इसे। अब इसमें हम बाकी सब सब्जियाँ डाल देंगे, मिर्च, धनिया और बॉयल आलू और टमाटर डाल देंगे। तो देखिए, आलू मैंने थोड़े से रख लिए हैं, पहले हम मिलाकर देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिलाएंगे और देखिए बाकी के आलू और थोड़ा और पानी डाल के इस तरह का आप बैटर, आप ध्यान रखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए ताकि सब पे अच्छे से चिपक जाए, ये बस जो पेस्ट हमने बनाया सब्जियों पर लग जाए अच्छे से। तो इसके लिए हम घी गरम करेंगे, घी में बनाइए आप तो ज़्यादा अच्छा खाना बनता है, व्रत का सागर जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए, घी गरम कर लेंगे एक बार हम, और उसके बाद गैस को हम लो मीडियम कर लेंगे। और इस तरह से आप हाथ से या चम्मच से डाल लीजिए पकौड़ियाँ। हम थोड़ी छोटी छोटी डालेंगे क्योंकि अंदर से फिर आटा कच्चा ना रह जाए, इसलिए हमें बड़ी पकौड़ियाँ नहीं डालनी है। और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है, तो सिर्फ 5 से 7 मिनट में कुक हो जाएंगी क्योंकि आलू हमारे अच्छे से बॉयल हैं, हमें सिर्फ आटे को पकाना है। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए बहुत क्रिस्प होती हैं, छोटी पकौड़ियाँ बनाएं बस तो जल्दी कुक होंगी। और देखिए, 7-8 मिनट में ये बनकर रेडी हो गई हैं, बहुत क्रिस्प हैं और बहुत टेस्टी हैं। तो आप बनाकर देखिए एक बार व्रत में, इसे दही चटनी के साथ खाइए, साथ में थोड़े फ्रूट्स और आपका पूरा खाना हो जाएगा। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी कुट्टू की पकौड़ी, चटनी और दही। ये थोड़ा गर्म होता है तो इसके साथ आप दही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे बनाइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।